तो नमस्कार, मैं सुनील स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल ईमित्रा सीएससी हेल्पलाइन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या हम ईमित्रा संचालक को एयर पे और कुछ एक ईमित्रा संचालक को SMF जो सर्विस है उसका यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वो यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, इसमें इसका पूरा कारण आज इस वीडियो में मैं स्पष्ट करूँगा। पूरी की पूरी बात आज इस वीडियो में आपको मैं क्लियर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SMF योजना के बारे में। देखिए दोस्तों, ई मित्र पे SMF योजना के फॉर्म बंद है। पहले किसी भाई ने या फिर किसी भी ई मित्र संचालक ने SMF योजना का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया था तो वो क्यूब पे में उनको सर्विस मिल जाएगी, लेकिन वहाँ से भी उनकी सर्विस काम नहीं करेगी। काम नहीं करने का यह कारण होगा या तो आगे कोई एरर आ जाएगी या फिर टोकर फेल्ड हो जाएगा, इस प्रकार की कुछ ना कुछ एरर आ जाएगी, उनकी वे सर्विस काम नहीं करेगी। यह बात आप याद में रखना, ध्यान में रखना। लेकिन कुछ एक ई मित्र संचालक है जो इसका फॉर्म भर सकते हैं SMF योजना का, तो वो उनको CSC से फॉर्म भर सकते हैं। CSC से फॉर्म में अभी तक भी स्टार्ट है और ऑनलाइन डायरेक्ट वेबसाइट से भी फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन डायरेक्ट वेबसाइट से भी फॉर्म है जो स्टार्ट है, लेकिन इन फॉर्म की एक कंडीशन है कि इन फॉर्म का पता नहीं चलता कि कब अप्रूव होंगे, कब रिजेक्ट होंगे, कब पेंडेंसी में है। ये फॉर्म ज़्यादातर पेंडेंसी में रहते हैं। मैंने आवेदन करके देखे थे CSC से, तो CSC से मैंने एकदम सही आवेदन किया था, लेकिन फिर भी वो आवेदन जो रिजेक्ट हो गया था, निरस्त हो गया था। तो इस कारण आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ई मित्र पे ये सर्विस नए अपडेट के साथ लाइव हो जाएगी दोबारा से। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सर्विस पीछे भी कई बार बंद हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, बंद हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, अभी बंद है। थोड़ी सी धैर्य बनाए रखें, ये सर्विस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, तभी आप SMF योजना का फॉर्म में भर सकते हो। लेकिन कुछ एक ई मित्र संचालक के जो एप्लीकेशन है जो यूज में आ रहे हैं, तो वो भी अपनी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इसमें सिर्फ वो एडिटिंग कर सकते हैं या फिर कोई फॉर्म भरा हुआ या नहीं भरा हुआ वही देख सकते हैं। तो अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं दो नंबर टॉपिक के बारे में, यानी कि एयर पे सर्विस के बारे में। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि एयर पे सर्विस ई मित्र पे चालू करके बस एक सर्विस नाम बढ़ाया गया है। जैसे मान लो पहले 500 सर्विस थी, 500 एक सर्विस कर दिया गया है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ई मित्र पे जो एयर पे की सर्विस आई है, उस सर्विस के अंदर हम क्योंकि सिर्फ रजिस्ट्रेशन में जाके देखेंगे तो हमारी ID अभी तक भी अंडर अप्रूव में दिखा रही है। 24 घंटे इस प्रकार से उसमें अंडर अप्रूव में दिखाएगी। आप भी चेक कर सकते हो आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो। उसके बाद आप विड्रॉल वाली सर्विस का यूज़ करते हो तो विड्रॉल वाली सर्विस आपने आपके ई मित्र के अंदर सही से वर्क करेगी, वर्क भी करेगी। लेकिन आप जो कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकालोगे तो कस्टमर के अकाउंट से पैसे तुरंत निकल जाएंगे, आपको पैसे भी तुरंत देने पड़ेंगे। लेकिन जो आपके अकाउंट में पैसे आने वाले हैं, वो पैसे 2 या फिर 3 दिन के बाद में आते हैं। दोस्तों, मैंने ये ट्राई किया था, मैंने मेरे एक जो कस्टमर आया था, मैंने उसके अकाउंट से सिर्फ 100 रुपये निकाल के ट्राई किया था कि अकाउंट में कब आएंगे मेरे, किस प्रकार से आएंगे। तो मैंने चेक किया था तो मेरे आज जैसे मान लो आज मैंने विड्रॉल किया था तो 3 दिन के बाद में 3rd दिन मेरी पेमेंट अकाउंट में आई थी, जो कि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। आपको नीचे स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा, इस साइड में आपको स्क्रीनशॉट, आपके पहले आपको जो स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है वो मैंने ई मित्र से विड्रॉल किया था तब का आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है। उसके बाद में अभी आपको जो स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है वो मेरे बैंक अकाउंट में एयर पे का पेमेंट आया था, वही स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ में एयर पे के अंदर जो हमें ना कोई हेल्पलाइन नंबर दिया गया है या फिर ना कोई टेक्निकल इश्यू अगर हमें आ जाती है तो उसका कोई सोल्यूशन दिया गया है, ना कोई हेल्पलाइन ईमेल दी गई है हमको। और इसके साथ साथ में एयर पे के अंदर अगर मान लो किसी का बैंक अकाउंट गलत हो गया, उसके कोई अकाउंट की डिटेल गलत हो गई, IFSC कोड गलत हो गया, मोबाइल नंबर चेंज करना चाहता है, तो इसमें अभी तक कोई भी अपडेट वाला वर्जन नहीं दिया गया है। इसमें सिर्फ ये बेटा वर्जन है, ट्रायल वर्जन के अंदर ही भी इस सर्विस को लॉन्च किया गया है। तो वो जहाँ तक हो सके इस सर्विस का यूज़ कम करें, और DigiPay या फिर BankBC आपके पास में है या फिर अदर कोई APS ID है तो उसका ही उपयोग करें। इस सर्विस का उपयोग करने से बचें एक बार कुछ समय के लिए। जैसे ये सर्विस पूर्ण रूप से स्टार्ट हो जाएगी, एकदम संपूर्ण रूप से लाइव हो जाएगी, तो मैं आपको नई वीडियो बना के बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इसकी पेमेंट विड्रॉल कर सकते हो, किस प्रकार टेक्निकल इश्यू आता है तो उसका समाधान कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट नंबर, ईमेल ID, मोबाइल नंबर कुछ भी गलत हो जाता है तो उसको किस प्रकार से सही करवा सकते हो, तो उस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप इन दोनों सर्विस का उपयोग ना करें तो ही बेटर रहेगा। तो इसी प्रकार की नई नई और ज़्यादा जानकारियों के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।